विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान का क्षेत्र, विभिन्न चीजों से हम लोग परिचित हुए थे। और आज हम लोग बाल मनोविज्ञान डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो सैद्धांतिक पेपर है बाल मनोविज्ञान, उसके पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास शब्दों में इसमें बालकों के विकास से तात्पर्य है। तो किसी भी बालक के विकास से तात्पर्य क्या होता है, हमको ये जानना है कि किसी भी बालक के विकास से तात्पर्य क्या होता है, यानी इसको हमको समझने के लिए कि बालक के विकास को समझना होगा कि बालक का विकास कहां कब से शुरू होता है, कहां तक होता है। ठीक है, तो किसी भी बालक का विकास से जो आशय है, जो कह सकते हैं हम कि विकास से जो तात्पर्य है, वो गर्भाधान से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक है, यानी हम परिपक्वावस्था तक भी कह सकते हैं या प्रौढ़ावस्था तक भी कह सकते हैं कि किसी भी बालक के विकास से तात्पर्य गर्भाधान से लेकर के उस बालक के प्रौढ़ावस्था या परिपक्वावस्था तक है। इसमें बालक जो होता है उत्पन्न कैसे होता है, पिता के जो स्पर्म होता है और माता के ओवम, दोनों के संयोग से जो जीव उत्पन्न होता है गर्भावस्था में, जो पिता के स्पर्म और माता के ओवम से जो जीव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद कुछ समय बाद उसके अंगों का विकास होता है। और जब विकास की परिस्थितियां या विकास की अवस्थाएं कई स्थितियों से गुजरती है, या हम कह सकते हैं कि जो यह बालक है विभिन्न विकास के क्षेत्रों से गुजरता है, वह सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है, शारीरिक क्षेत्र भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं शारीरिक विकास के क्षेत्र से भी हो सकता है, सामाजिक विकास के क्षेत्र से भी हो सकता है, या मानसिक विकास के क्षेत्र से भी हो सकता है। पे बालक जब गर्भावस्था में रहता है तो गर्भावस्था में तीन चीजें, तीन भागों को गर्भावस्था में बांटा गया है। एक आपका डिंबावस्था होता है, एक आपका पिंडावस्था होता है और एक आपका भ्रूणावस्था होता है। तीन, इस गर्भावस्था को तीन स्थितियों में बांटा गया है, एक डिंबावस्था, एक पिंडावस्था और एक भ्रूणावस्था। जो डिंबावस्था का समय होता है वो गर्भाधान से दो सप्ताह, यानी टू वीक, दो सप्ताह तक होता है। जो पिंडावस्था का समय होता है वह तीन सप्ताह से लेकर के दो महीने तक होता है, और जो भ्रूणावस्था होता है वह तीन महीने से लेकर के और जन्म के पहले तक होता है। जो डिंबावस्था है उसका जो समय होता है वह गर्भाधान से दो सप्ताह तक का होता है। जो पिंडावस्था होता है उसका जो समय होता है वह तीसरे सप्ताह से लेकर के और दो महीने तक का होता है, और जो भ्रूणावस्था है उसका तीसरे महीने से लेकर के और जन्म के पहले तक का जो अवस्था होता है भ्रूणावस्था होता है। पिंडावस्था में सबसे पहले जो बालक होते हैं उन बालकों का हृदय धड़कना शुरू होता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि गर्भावस्था के किस भाग में बालकों का हृदय धड़कना प्रारंभ हो जाता है तो वह पिंडावस्था है। पिंडावस्था में बालकों का हृदय जो धड़कना वह प्रारंभ हो जाता है, और इसी अवस्था में उसके अंदर नए अंगों का निर्माण भी होता है। इस पिंडावस्था में ही बालक जो होता है उस बालकों के नए अंगों का निर्माण होता है इस पिंडावस्था में। भ्रूणावस्था में जो पिंडावस्था में अंगों का निर्माण हुआ था वह भ्रूणावस्था में उन अंगों का विकास होता है। दोस्तों, ये भ्रूणावस्था में
पिंडावस्था के अंग जाकर के विकसित होते हैं, यानी उनका विकास क्रम चलता है। तो पिंडावस्था में नए अंगों का निर्माण तो होता है, लेकिन विकास किसमें होता है? भ्रूणावस्था में। उन अंगों का विकास भ्रूणावस्था में होता है। तो यहां पे साधारण दो शब्द देख चुके थे, एक आपका बाल और एक आपका विकास है। और बाल विकास को अगर दो शब्दों में हम दो चीजों में बांटना चाहें, एक आपका क्या है, बाल है और एक विकास है। बाल का मतलब बालक से होता है, यानी वह समय जब जो बालक काल कहलाता है, तब से गर्भावस्था से लेकर के युवावस्था तक जो यह काल होता है, यह बालक का काल होता है, यानी बालक कह सकते हैं हम। और जो विकास से तात्पर्य है, विकास से हमारा यहाँ तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक जो उसके शरीर में या उसके मानसिक चीजों में या सामाजिक चीजों में जो परिवर्तन होता है, वह विकास की अवस्था होती है। तो इन दोनों का मतलब अगर हम समझना चाहें, बाल विकास का मतलब, तो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था या परिपक्वावस्था तक जो बालक के विकास होते हैं या विकास के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन हम जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, वह हमारा बाल विकास होता है। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं आपको बताते हैं। जैसे पहला क्रू एंड क्रू ने दिया है, बताया है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या है कि सुनियोजित ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ, एक क्रम में, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही हुआ क्रम और व्यवस्थित चीज। तो यहां वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है बालकों के विकास का, तो एक क्रम में, एक सुनियोजित, एक अच्छे ढंग से जो अध्ययन करता है, कब से, जन्म से लेकर के परिपक्वावस्था तक। देखिए जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यानी बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है कौन, बाल विकास। अगला जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान, या हम कह सकते हैं कि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। यानी इन्होंने भी वही कहा कि बालक के, चाहे प्राणी के, चाहे जीवों का जो विकास का अध्ययन कब से करती है, जन्म से लेकर के और परिपक्वावस्था तक करती है, जब तक वो बालक क्या हो जाए, यानी मेच्योर होने के बाद नहीं, यानी उसके पहले तक करती है। स्कीनर ने देखिए कहा है, स्कीनर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी बालक के, चाहे वह अनुभव हो या परिपक्वता हो, उन दोनों का पता हम उसके व्यवहार से ही लगा पाएंगे। क्यों? अगर कोई बालक है, वह अपनी आयु के, बालकों के क्षमता के अनुसार कम बोल रहा है, कम एक्टिव है, या चीजों को नहीं समझ पा रहा है, चाहे चीजों को नहीं सीखा हुआ है, और वहीं दूसरे पहलू में एक बालक को ले जहां वह उसी के आयु का है और उसने बहुत सी चीजों को सीख चुका है, तो अगर मान लीजिए जैसे वह बालक है, बालक कोई खिलौना ही चलाना है, चाहे कंप्यूटर ही चलाना है, कंप्यूटर पे बैठा चलाने, और वो बालक क्या हो रहा है, चला नहीं पा रहा है, ना माउस का प्रयोग कर पा रहा है, ना कीबोर्ड का प्रयोग कर पा रहा है, तो हम उसके इस व्यवहार को देखेंगे। किसको देखेंगे? बालक के व्यवहार को देखेंगे, और बालक के व्यवहार को देख करके क्या कहेंगे कि यह बालक अभी अनुभव प्राप्त कर रहा है या बालक अभी सीख रहा है। और वहीं अगर एक दूसरे बालक की बात करें, तो दूसरा बालक अगर आया, माउस का प्रयोग अच्छे तरीके से कर रहा है, कीबोर्ड का प्रयोग अच्छे तरीके से कर रहा है, और अच्छे तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रहा है, हम उस बालक को क्या कहेंगे, यह बालक सीख चुका है, यानी यह परिपक्व है। तो दोनों में हम उसके किस चीजों को देखें, बालकों के व्यवहार को देखें कि वह कौन सी क्रिया कर रहा है, उसकी क्रिया के आधार पर ही हम बता सके कि वह बालक अनुभव प्राप्त कर रहा है कि परिपक्व है बालक। ठीक है, अगला आते हैं हम
बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता या बाल विकास की आवश्यकता। देखिए जैसे कि यहाँ पे जेम्स ड्रेवर्स का एक कथन भी है, तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कारक है, इसकी सहायता के बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसके पहले भी हम बता चुके हैं मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं शिक्षा जगत में। तो मनोविज्ञान के बिना यह संभव ही नहीं है कि शिक्षा की समस्याओं को हम दूर कर सके, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ी। हालांकि बालकों के विकास का जब हम अध्ययन करेंगे तो शिक्षा के अंतर्गत ही करेंगे, और शिक्षा में जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे, इसलिए मनोविज्ञान की आवश्यकता शिक्षा जगत में हुई। अगला आवश्यकता अगर हम शिक्षार्थी के दृष्टि से देखें और शिक्षक की दृष्टि से देखें तो क्या क्या है। शिक्षार्थी के दृष्टि से अगर हम बात करें, शिक्षार्थी कौन होता है? विद्यार्थी, जो शिक्षा को ग्रहण करे, जो विद्या को ग्रहण करे, जो ज्ञान को ग्रहण करे, वो क्या है? शिक्षार्थी है। और आप आज की जो शिक्षा है वह शिक्षार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थियों के रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए किसी काम को कराया जाता है, या उनके लिए हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को ही तैयार करना हो तो बालकों के रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का अध्ययन करके ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अगर पाठ्यक्रम बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार है तो वह बालक उसको रोचकता पूर्वक पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा, सुनेगा और उसका जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। लेकिन जब अगर उसके विपरीत हम कहें कि अगर बालक के विपरीत बना है पाठ्यक्रम, उसके क्षमता के बाहर है, उसके रुचि के बाहर है, तो वह जो इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उस बालक के लिए वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर शिक्षक की दृष्टि से देखें तो शिक्षक के सामने ढेर सारी समस्याएं आती हैं। अगर क्लास में गया पढ़ाने तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबकी मानसिक स्थितियां एक समान नहीं होती, और शिक्षक को एक समान रूप से सबको शिक्षा प्रदान करना है। तो शिक्षक को सबसे पहले यह जरूरी होता है कि वह मनोवैज्ञानिक तरीकों से बालकों का अध्ययन करे, यानी उनके व्यवहारों का अध्ययन करे, तत्पश्चात शिक्षा को प्रदान करे। क्योंकि उनके व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद यह पता चल जाएगा शिक्षक को कि किस बालक को किस तरीके से हम बता सकते हैं, कौन सा बालक किस तरीके से समझ सकता है, कौन सा बालक किन चीजों में रुचि लेता है। इसके लिए जब शिक्षक को पता चल जाता है तो उसके लिए आसान हो जाता है पढ़ाना, बालकों को समझना। हालांकि देखिए जब बालक जन्म लेता है तो इस सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लेता है वह प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए जो अनुकूल परिस्थिति होता है उसी में जन्म लेता है, और प्रत्येक परिस्थिति और या हम गर्भावस्था की बात करें तो प्रत्येक प्राणियों की, प्रत्येक व्यक्तियों की अलग अलग होती है, उनका विकास भी अलग अलग होता है। किसी की लंबाई बड़ी होती है, किसी की कम होती है, किसी का मानसिक विकास तीव्र गति से हुआ होता है, किसी का मानसिक विकास धीरे होता है। इन सभी समस्याओं को मनोवैज्ञानिकों ने जब देखा तो इसे दूर करने का प्रयास किया। तो दूर करने का जब प्रयास किया तो सबसे पहले उसने उनके विकास के काल को समझने का प्रयास किया, जो कि यह बाल विकास के अंतर्गत ही संभव है। शिक्षार्थी की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता हुई और शिक्षक की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता हुई, क्योंकि दोनों के लिए यह उपयोगी है और लाभदायक है। जो प्रत्येक प्राणी सृष्टि में अगर जन्म ले रहे हैं तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए अनुकूलन परिस्थिति में ही जन्म लेते हैं। उनका जो परिस्थिति होता है और जो गर्भ धारण करने की दशाएं होती हैं प्रत्येक प्राणियों में अलग अलग होती है। प्राणी अपने परिवार में जाकर वृद्धि और विकास को प्राप्त करता है, और यह वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर पाया जाता है प्रत्येक प्राणियों में।
किसी की लंबाई अधिक होती है, किसी की लंबाई कम होती है, किसी की मानसिक विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है, किसी की मानसिक विकास की जो गति होती है वो कम होती है। इस प्रकार देखा गया कि विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न प्राणियों में जो विकास है वह भिन्न भिन्न प्रकार के है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस चीजों को समझा, इस चीजों को जानने का प्रयत्न किया कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की दशाएं या प्राणियों का जो विकास होता है वह अलग अलग होता है और यह बाल विकास से संबंधित चीजें हैं। तो इस पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार रखा और विचार रखने के बाद उन्होंने कहा कि बालक का जो विकास है वह विकास उसका परिवेश भी प्रभावित करता है। बालक का जो विकास होता है वह विकास उसका परिवेश भी प्रभावित करता है कि बालक का परिवेश कैसा है वह भी उसके विकास को प्रभावित करता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड है, उनका एक कथन है, उनका कथन है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं, चाहे डॉक्टर, चाहे वकील, चाहे इंजीनियर, चाहे चोर, चाहे डाकू। उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं, या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चोर या डाकू। किस आधार पर कहे कि बालक का जिस प्रकार का परिवेश होगा वह बालक का विकास भी उसी परिवेश के आधार पर होगा। हम बालक को अच्छे परिवेश में रखेंगे, बालक का विकास अच्छा होगा। बालक को अगर दूषित परिवेश में रखेंगे तो बालक का विकास अच्छा नहीं होगा। तो इस समस्याओं को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान में का जो एक क्षेत्र है बाल विकास वो उत्पन्न हुआ और उसकी आवश्यकता हुई। अगला हम लोग बाल विकास के क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस किस क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास आता है। सबसे पहला शारीरिक विकास, जो शारीरिक विकास है बाल विकास, शारीरिक विकास भी बाल विकास के अंतर्गत आता है और इसमें बालकों के विभिन्न शारीरिक विकास के समस्याओं या उनके समाधानों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला आपका है मानसिक विकास, जो प्राणी होता है अपने क्रिया और संवेगों के आधार पे ही उसके मानसिक स्थितियों का हम पता लगा सकते हैं। किसी भी प्राणी के हम क्रिया और संवेगों के आधार पे ही हम उसके मानसिक विकास या मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यह मानसिक विकास भी, या आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत भी क्या होता है, बाल विकास आता है। बाल विकास का अध्ययन मानसिक विकास के अंतर्गत भी हम करते हैं। अगला हमारा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, बालक किस आयु में कौन सा संवेग प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक आयु के लिए बालकों के अलग अलग संवेग बताए गए हैं कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इस तरह के संवेग बालकों के अंदर उत्पन्न होंगे। अगर उस सही समय पे बालकों का संवेग उत्पन्न हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका विकास संतुलित अवस्था में है, यानी बाल विकास के अंतर्गत जो संवेगात्मक विकास है वह बालक का संतुलित अवस्था में है। लेकिन अगर संवेग सही समय पे प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि संतुलित अवस्था में नहीं है। तो बाल विकास के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक इसके कारणों का पता लगाते हैं, समस्याओं का पता लगाते हैं और उसका निराकरण करते हैं। देखिए संवेग जो होते हैं, हम बताएं कि मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए। और एक चीज और आप जान लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है, तो याद रखिएगा कि जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है, जन्म के समय बालक में उत्तेजना होती है। जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है। और यहां देखिए एक चीज इसमें जुड़ा होता है मूल प्रवृत्ति, क्योंकि मूल प्रवृत्ति भी हमारी 14 होती है। जैसे हमारा मूल संवेग 14 होता है वैसे हमारा मूल प्रवृत्ति भी 14 होती है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने से मनुष्य
जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वही मूल प्रवृत्ति होता है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। तो अगर 14 संवेग है तो मूल प्रवृत्तियां भी हमारी कितनी हो गई, 14 हो गई। अगला हमारा सामाजिक विकास है, इसके अंतर्गत भी बाल विकास देखिए आता है कि सामाजिक विकास में बालकों का सबसे पहले परिवार में देखते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को पहचानना, परिवार के लोगों के प्रति प्रेम, परिवार के लोगों के प्रति गुस्सा, ठीक है, परिवार के लोगों के प्रति भय, ऐसी कोई चीज उसके अंदर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वह अपने परिवार के अंदर लोगों को पहचान रहा है, परिवार के अंदर लोगों को जान रहा है, परिवार के लोगों से ही क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, हम कह सकते हैं कि वह उसका सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। और यदि कोई परिवार के अलावा अन्य कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, उनसे भयभीत हो रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास हो रहा है, क्योंकि वह अभी बच्चा कहाँ है, परिवार में है, तो परिवार के लोगों को ही पहचानेगा, बाकी अन्य लोगों से क्या होगा, भयभीत होगा। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो सामाजिक विकास हुआ है वह संतुलन की स्थिति में नहीं है। अगला चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बालकों का जो अंगों का प्रयोग या उनके नैतिकता का भाव, अन्य चीजें इसमें समाहित होती हैं कि वह किस स्तर तक है, अगर सही दिशा में है तो हम कह सकते हैं कि उस बालक का चारित्रिक विकास हो रहा है या संतुलित अवस्था में है, अगर नहीं है तो संतुलित अवस्था में नहीं है। अगला भाषा का विकास, बच्चे जो होते हैं विभिन्न तरह के भाषाओं को बोलते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि भाषा का विकास सही समुचित तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक वर्ष से लेकर के एक वर्ष और 9 माह तक के जो बालक होते हैं उनके अंदर लगभग जो शब्दों का उच्चारण होता है वह 118 शब्द होते हैं, यानी एक से साल से लेकर के एक साल 9 माह तक के जो बालक होते हैं वह जो उनका शब्दोच्चारण होता है वह लगभग 118 शब्द होता है। तो अगर इसके लगभग में है तो हम कह सकते हैं कि उनके भाषा का विकास सही तरीके से हो रहा है, संतुलित तरीके से हो रहा है। अगला है सृजनात्मक विकास, यह भी बाल विकास के परिधि में आता है, सृजनात्मकता का विकास, इसके अंतर्गत बालक क्या करते हैं, नई चीजों को खोजना, नई चीजों का निर्माण करना, नए खिलौनों का निर्माण करना, अगर यह सब गुण उसके अंदर है तो हम कह सकते हैं बालकों का सृजनात्मकता का विकास भी संतुलित अवस्था में है। अगला है आपका सौंदर्य संबंधी विकास, यह भी बाल विकास के परिधि में आता है, सौंदर्य संबंधी विकास, इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं विभिन्न प्रकार की कविताओं में रुचि लेते हैं, आनंद लेते हैं, जैसे कविता अगर कोई देशभक्ति हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस तरह के भाव जब विकसित होते हैं बालकों के अंदर और भाव उभर के बाहर आते हैं बालकों के शब्दों के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि वहां सौंदर्य संबंधी विकास बालकों का संतुलित अवस्था में है। अगला कुछ यहाँ अलग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है। तभी हमने बताया है कि जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता है, बल्कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना होती है, ठीक है। अगला हमारा एक क्वेश्चन है कि मैकडूगल ने कुल कितने संवेग बताए, मैकडूगल ने कुल कितने संवेग बताए हैं, 14 संवेग बताए हैं, ठीक है। संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या अंतर है, देखिए संवेग जो होता है जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य जो क्रिया करता है वह क्रिया क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, और मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, यानी मूल प्रवृत्ति से ही जुड़ा हुआ क्या होता है, संवेग होता है। अगर 14 संवेग हो गए तो 14 मूल प्रवृत्ति भी हो गई आपका। अगला है बाल मनोविज्ञान, बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान अध्ययन करती है, यह किसका कथन है, यह हमारा स्पिनर का कथन है, जिसको हमने बता भी दिया है इसके अभी तुरंत पहले। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और आवश्यकता। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं जैसे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विशेषताएं पढ़ेंगे, उसका टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग,
और शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यह इसका अध्ययन हम लोग अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।